हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो ऐप 220 बी ब्लैक मॉडल के बारे में, जिनमें के दोस्तों माइक का प्रॉब्लम है। जब मैं इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन में फ़ोन लगाता हूं तो मेरा आवाज़ उसके पास नहीं जाता है, तो समझ जाए कि दोस्तों इसमें माइक का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगर आपका फ़ोन में अगर माइक का प्रॉब्लम है, यानी कि आपका आवाज़ दूसरे के पास नहीं जा रहा है, तो आप सबसे पहले अपने खुद से फ़ोन ठीक करने की कोशिश करें। जो मैं आप लोग को बताऊंगा, जो घरेलू टिप्स है जो खुद से अपने फ़ोन को ठीक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा, तो 100% है कि आप मेरे वीडियो देखकर आप अपने जियो फ़ोन का माइक, चाहे कोई सा भी हो दोस्तों, आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें एक जाली रहता है वो निकालना है और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश मारना है। तो कहाँ मारना है दोस्तों, सबसे पहले मैं बैटरी को खोल लेता हूँ। तो इसमें नोट मैंने पहले से खोल के रखा हूँ और चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये माइक का निकासी है, यहाँ पे छेदा है एक, तो इसी से मेरा आवाज़ दूसरे के पास पहुँचता है। अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपके फ़ोन में किसी कारण से माटी घुस गया हो या गर्दा घुस गया हो, तो उसके वजह से भी आपका आवाज़ उसके पास नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए अपने फ़ोन में, यहाँ पे छेदा होगा। जियो का अगर कोई सा भी मॉडल है दोस्तों, आप कहीं भी छेदा हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं निकासी है, तो इस निकासी में मिट्टी और गंदा भरा हुआ लग रहा है हमको, और चलिए देखता हूँ उसके अंदर में भी क्या गंदा है इसमें। तो ये फ़ोन मैंने पहले से खोल रखा था और ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं इस प्रकार से इस फ़ोन को आसानी से खोल लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर के सहारे से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस फ़ोन को खोल लिया हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं इसे भी निकाल लेता हूँ, इसका पीसीबी बोर्ड भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि माइक इसका अगला भाग में रहता है दोस्तों, बटन के साइड में। तो इसके ऊपर में भी ब्रश मारना है और इसके इधर वाला सिरा में भी ब्रश मारना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस फ़ोन में पानी भी गया है, देख सकते हैं वाटर डैमेज की तरह दिखाई दे रहा है, कार्बन जमा हुआ है। तो इसके ऊपर में भी इसमें वाटर डैमेज हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अच्छी तरह से बिना पेट्रोल से बिना क्लीनिंग से आप इसे सिर्फ ब्रश मार के धूल मिट्टी हटा देना है इसके ऊपर में। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए पहले ब्रश से। तो चलिए दोस्तों मैं ब्रश ले लेता हूँ और मैं इसे साफ़ करके आप लोग को बीच में मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इस फ़ोन को साफ़ करके आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से ब्रश मार लीजिए, इधर भी मार लीजिए और पीछे में भी हल्का सा मार लीजिए। तो दोस्तों ब्रश मारने के बाद आप लोग को क्या करना है, फ़ोन को चेक कर लेना है माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, हल्का सा पेट्रोल मार के भी साफ़ करके फिर से चेक कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप चेक कीजिएगा दोस्तों। तो एक ट्रिक तो मैं आप लोग को बताना भूल ही गया दोस्तों, तो सबसे जो मेन पॉइंट है दोस्तों ये कीपैड जो है बटन वाला, तो इसे आपको निकाल लेना है। यहाँ पे एक छेदा है, इसको भी आसपास में कोई चीज़ से आपको आसपास मतलब छेदा में डालना है और इस पार से ऊपर करना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये निकासी है, यानी कि सही है। और इसमें देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों इसमें मिट्टी भरा हुआ है और इसके अंदर में एक छोटा सा जाली होगा दोस्तों, वो बिल्कुल गंदा हो चुका है। तो इसे आप निकाल दीजिए या तो साफ करके दोबारा इसे लगा सकते हैं। तो मैं इसे सिर्फ डायरेक्टली निकाल देता हूं और मैं देखता हूं निकालने के बाद ये काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रश भी मार के काम चला सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें मिट्टी डला गया है। तो मिट्टी निकालने के लिए तो आपको दोस्तों पर्दा निकालना पड़ेगा, तो ये वाला पर्दा आपको निकाल लेना है और किसी पतले वाले सुराख से इसमें डालना है। जैसे मेरे पास चिमटे हैं पतले वाले, तो इसमें डाल देता हूँ, इस पार से इस पार निकलना चाहिए। निकलने के बाद दोस्तों तभी आपका आवाज़ दूसरे के पास पहुँचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, छेदा बिल्कुल निकास हो चुके हैं, यानी आवाज़ अब मेरा माइक के पास बिल्कुल पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कर लेना है, कोई सा भी जियो फ़ोन हो दोस्तों, अगर माइक का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले दोस्तों खुद से ये ट्रिक आजमाइए। 100% नहीं तो 50-70% आपका फ़ोन का माइक है
ठीक हो जाएंगे खुद से। तो दोस्तों अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं तो 100 रुपये 150 रुपये आप खर्च हो सकते हैं, इसी प्रकार से करके आपको देंगे और आपका माइक ठीक कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं इसको पैक कर लेता हूँ, और मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन तो शायद है नहीं जो मैं चेक करके आप लोग को दिखाऊँगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये फ़ोन बिल्कुल सही हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मिट्टी ही डला हुआ था और इसका पर्दा जो था वो पर्दा भी जाम था, तो मैंने वो निकाल दिया हूँ और छेदा भी बना दिया हूँ कीपैड में। तो दोस्तों इस प्रकार से करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन 100% ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो लंबे न हो जाए तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप ये ट्रिक आजमाइए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक करने के बाद आपका प्रॉब्लम 100% है कि सॉल्व हो सकता है। नहीं होगा तो दोस्तों तब आप दुकानदार के पास जाके आप नया माइक लगा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इससे भी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद जय भारत।